सी द स्क्रीन नाउ. अभी स्क्रीन दिख रहा है ना सर? सर म्यूट करो ना सबको. म्यूट कर रहा हूँ. अभी स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ. शायद उसमें वन मोड अपडेट किया तो उसमें कुछ दिख रहा है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फाइन. तो देखो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था क्या कि ये था अपना जस्ट मिनट. हाँ ये था राइट. टॉकिंग अबाउट दिस देखो ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि बेसिकली कटायन और अनायन का कांटेक्ट इस तरह से होना चाहिए कि जो कटायन है इट शुड फिट इन द वॉइड. कटायन जो है इट शुड फिट इन द वॉइड. दूसरी चीज ये है कि रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये इस वाले स्टेट से इस वाले स्टेट में जाएगा. इसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं. इससे ज्यादा कुछ नहीं. इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? एवरीवन क्लियर ऑन दिस? प्लीज रिस्पॉन्ड. ठीक है ओके. तो देखो बेसिक चीजें तो यही थी. अब आगे यदि हम बढ़े तो व्हाट इज न्यू और यहां पे हमें नया क्या देखने को मिल रहा है. तो बेसिकली क्या है द चार्ज्ड एटम्स दे विल गिव डिस्टॉर्शन एंड न्यूट्रल एटम्स विल गिव परफेक्ट ज्योमेट्री. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है. हाउएवर कैलकुलेशंस कैसे होंगे? कैलकुलेशंस विल बी डन एज पर द परफेक्ट ज्योमेट्री. एवरीवन इज इट क्लियर नाउ? कैलकुलेशन हम परफेक्ट ज्योमेट्री की तरह ही करेंगे, के हिसाब से ही करेंगे. इज इट क्लियर हाउ? ये समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड इन यस और नो. ये समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशंस जो है हम परफेक्ट ज्योमेट्री के हिसाब से ही क्यों करेंगे? क्योंकि देखो डिस्टॉर्शन में कितना परसेंट डिस्टॉर्शन होगा उसका कोई तरीका नहीं है. तो देखो यदि हम स्टार्ट करते हैं थ्री एटम से क्या कौन सा वॉइड बनता है? थ्री एटम से बनता है ट्राइंगुलर वॉइड. अब जरा समझते हैं इसको. हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है राइट. यानी RC अपॉन RA का रेशियो, रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन का रेशियो. सी व्हाट इज इट? रेडियस ऑफ कटायन और रेडियस ऑफ अनायन का रेशियो है. अब देखो तीन एटम्स के केस ले रहे हैं हम. यहां पे हम मान के चलते हैं कि देयर आर न्यूट्रल एटम्स. लेट से एवरीथिंग इज न्यूट्रल. तो ये अनायन है और बीच में कुछ कटायन होगा. तो ऐसा थोड़ा इमेज अच्छे से बना लेते हैं. ये अनायन है, यहां पे इसी को रहने देते हैं. लेट अस अज्यूम दिस ट्रायंगल टू बी ABC, है ना? ये एक ABC ट्रायंगल होगा. A इसको मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं. तो तीन जगह पे अनायन होगा और बीच में कटायन होगा. ठीक है. और लेट अस से हमें क्या करना है? हमें निकालना है RC अपॉन RA. तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं. यहां पर एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. इस पॉइंट पे तो ये पॉइंट मान लेते हैं D. ठीक है. ये पॉइंट हमने क्या मान लिया? ये पॉइंट मान लिया D. अब इस पॉइंट पे लेट से हमने पॉइंट P पे ज्वाइन किया. तो ये पॉइंट P की बात कर रहे हैं नाउ. एंड लेट से दिस पॉइंट इज D. तो नाउ इन लेट से ट्राइंगल BPD विच इज राइट एंगल्ड एट डी. हमें क्या करना? लीनियर अरेंजमेंट में कोई एटम्स में वॉइड नहीं बनेगा वेदांत. इज दैट क्लियर टू यू? लीनियर अरेंजमेंट में वॉइड कहां बनेगा? थ्री डायमेंशनल कुछ भी. अरे दो एटम को ऐसे रख दोगे तो वहां कहां वॉइड बन रहा है? यदि तो क्लोज पैकिंग होगा ना, देयर वोंट बी एनी वॉइड. ठीक है.
अरे दो एटम में वॉइड नहीं बनेगा, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इसमें किसी को डाउट है क्या? सी नाउ हमें करना क्या है, हमें इसके केस में कैलकुलेट करना है रेशियो। तो यहां पे लेट से बीपी क्या होगा, बीपी विल बी आरसी प्लस आरए। ये तुम्हें समझ में आ रहा है बीपी कैसे होगा आरसी प्लस आरए? एवरीवन इज इट क्लियर? डायग्राम पिछले बार दिखाया था मैंने, यहां पे बीच में कटायन है तो बीपी हम देख रहे हैं, तो ये अनायन का रेडियस प्लस कटायन का रेडियस। इज इट क्लियर एवरीबडी एल्स? आप लोगों को ये बात क्लियर हुई? अरे यहां पे कटायन है और यहां पे अनायन है, ये कटायन ये अनायन, तो हम ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज इट, दिस इज आरसी प्लस आर ए, ठीक है। नाउ व्हाट इज बी डी, बी डी क्या होगा बताओ? वीडियो तो डाल रहे हैं भाई, यूट्यूब पे तो डाल ही रहे हैं, बी डी क्या होगा बताइए एवरीबडी, प्लीज रिस्पॉन्ड। बी डी क्या होगा? आर ए, गुड। एंड नाउ व्हाट विल बी द एंगल, व्हाट विल बी एंगल पी बी डी? देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एंगल पीबीडी क्या आएगा, 30 डिग्री। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज रिस्पॉन्ड, इज इट क्लियर? अब देखो कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट? तो बेस आएगा आर ए अपॉन आर सी प्लस आर ए। नाउ टेल मी व्हाट इज कॉस 30, कॉस 30 क्या होता है, टेल मी व्हाट इज कॉस 30, cos 30 होता है रूट थ्री बाई टू, तो आर ए अपॉन आर सी प्लस आर ए हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, वी आर जस्ट सपोज टू कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, दैट इज आर सी अपॉन आर ए, ठीक है। हमें रेडियस रेशियो निकालना है, तो देखो आसान है सीधा सा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट थ्री आर सी प्लस आर ए इज इक्वल टू टू आर ए। तो आर सी बाई आर ए कैसे निकालेंगे, cos 30 कैसे, रुक जाओ लेट मी आई विल कम टू यू, रूट थ्री आर ए माइनस रूट थ्री आर सी माइनस टू आर ए इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री आर ए। तो हम ऐसा कर लेते हैं, आर ए टू माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री आर ए। सो व्हाट इज आर सी बाई आर ए, दिस इज आर आर ए, एक मिनट है ना, जस्ट मिनट, देखो cos 30 किधर से आया, अरे यार ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी, ये तुम्हें समझ में आ रहा है श्रेयांश, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये इसका बाइसेक्टर होगा ना बीपी, तो जब ये इसका बाइसेक्टर होगा तो एंगल क्या आएगा, पीबीडी एंगल क्या आएगा, 30 आएगा। नाउ cos 30 जो है, cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस ट्रायंगल में बीपीडी में वी आर टॉकिंग अबाउट बीपीडी या फिर पीबीडी, देख लो ये वाला, तो cos 30 होगा बेस, तो बेस क्या है बीडी विच इज आर ए एंड बीपी इज आर सी प्लस आर ए। हाँ नोट करते रहो, तो हमें क्या करना है, अब रेशियो निकालना है, तो हमें क्या मिला, रूट थ्री आर सी, और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं मैं फिर से, देख रूट थ्री आर सी प्लस रूट थ्री आर ए इज इक्वल टू टू आर ए। सो रूट थ्री आर सी इज इक्वल टू आर ए टू माइनस रूट थ्री, तो टेल मी क्या आया, आर सी बाई आर ए क्या आया, टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। अब ये वैल्यू बताओ कितना आता है, व्हाट इज टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री एवरीबडी, व्हाट इज टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, करेक्ट 0.155। नोट्स तो ग्रुप पे आता ही है ना, तुम लोग ये रोज रोज करके टाइम पास सिर्फ करते हो, नोट्स आएगा नहीं, लेक्चर आएगा नहीं। सी तो आई होप इट इज क्लियर कि परफेक्ट ट्रायंगल में, बट दिस इज फॉर किसके लिए, इट इज फॉर परफेक्ट ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज फॉर परफेक्ट ट्रायंगल। Is it clear everybody? या इसमें भी कोई डाउट है क्या, एक बार स्लो, इसमें किसी को डाउट है तो लिख लिया इसको, स्क्रोल डाउन या नीचे या अप,
अब तो देख लो यही है पुरानी बात जो हमने की थी, पुरानी बात जो हमने की थी ना वही है। या यू हैव टू रिमेम्बर दिस रेडियस रेशियो कि परफेक्ट ट्रायंगल के केस में, अरे रुक जाओ, सिलेबस कब खत्म होगा, लेसन कब खत्म होगा, सी कब खत्म होता है, तुम लोग जितना जल्दी समझ पाओगे उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। एवरीबॉडी रिटर्न, एवरीबॉडी रिटर्न। हाँ, आपको रेडियस रेशियो याद रखना है। तो देखो हमें क्या मिला, परफेक्ट ट्रायंगल के लिए, परफेक्ट ट्रायंगल के लिए नीचे स्क्रोल करो, अब हो गया, ये वैल्यू आपको याद रखना है 0.155। ठीक है, देखो तो ये जो वैल्यू है 0.155 वो तो तुम्हें याद रखना है, वो परफेक्ट ट्रायंगल के लिए आएगा। बट यदि हम चार्ज एटम्स की बात करें, चार्ज एटम्स की यदि हम बात करें तो ऐसा ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव थोड़ा दूर जाएगा और ये भी थोड़ा दूर जाएगा। अब ये भी तो थोड़ा दूर ही जाएगा, अब इनके भी सेंटर्स कनेक्ट करो तो तुम्हें ट्रायंगल ही मिलेगा ना, बट वो परफेक्ट ट्रायंगल ओवरलैपिंग वाला केस नहीं है। तो इसमें जब दूर गया तो इसको भी बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल, है तो ये भी ट्रायंगल। अब यहां पे क्या होता है, आर सी बाई आर ए जो है ये बढ़ने लगेगा, इट इंक्रीजेस। समझ में आया क्यों क्यों ये बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो यहां पे जब हम न्यूट्रल के लिए, हाँ 0.155 न्यूट्रल के लिए है, बट जब तुम्हें क्वेश्चन आएगा ना चार्ज एटम्स के लिए भी, तो तुम्हें अज्यूम करना है कि देयर इज नो डिस्टॉर्शन टेकिंग प्लेस। और आईआईटी ने जितने बार भी पूछा है चार्ज एटम्स के लिए, उन्होंने लिख के दिया है कि अज्यूमिंग नो डिस्टॉर्शन कैलकुलेट। ठीक है, तो वो मान के चल रहे हैं कि कोई डिस्टॉर्शन वहां पे उस केस में नहीं हो रहा है। ठीक है, तब तक हेलो एयरटेल ओके रिटर्न एवरीवन, सबने लिख लिया, लिखा या नहीं लिखा? ठीक है, अब देखो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि यहां पे क्या होगा, ये ट्रायंगल बढ़ता जाएगा। अब देखो हमने ये जो डिस्टेंस देखा था पहले, ये वाला डिस्टेंस जो था, ये वाला डिस्टेंस जो हमने कंसिडर किया था वो पहले से ज्यादा आएगा। डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल फिर से बताओ। अरे देखो यहां पे क्या है, चार्ज एटम्स के केस में अनायन अनायन रिपेल करता है और इधर कटायन अनायन अट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों अनायंस एक दूसरे को रिपेल करके दूर चले जाएंगे, ये दोनों अनायंस एक दूसरे को रिपेल करके दूर चले जाएंगे। तो इस बार जो ट्रायंगल बढ़ेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ये बताओ, इस बार जो ट्रायंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? अरे वही बता रहा हूं, बड़ा बनेगा ना, तो बट है तो अभी भी ये ट्रायंगल ना, क्योंकि सेंटर ऑफ सराउंडिंग एटम्स को तुम अभी भी ज्वाइन कर रहे हो, ये ट्रायंगल ही बन रहा है। इज दैट क्लियर और यू स्टिल हैव डाउट? इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि अब ये एंगल, ये जो आयंस है ना, दी आयंस स्टार्ट मूविंग, दी आयंस मूव, ठीक है, आयंस मूव कर एंड ऑक्यूपाई रिलेटिव अरेंजमेंट्स। अब वो रिलेटिव अरेंजमेंट्स क्या ऑक्यूपाई करते हैं ये तो एक्सपेरिमेंटल है, उसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बट इस तरह से ऑक्यूपाई करते हैं कि स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। डिस्टॉर्शन अज्यूम नहीं करते बिकॉज डिस्टॉर्शन के साथ कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। विदाउट डिस्टॉर्शन नहीं अज्यूम करेंगे तो परफेक्ट ज्योमेट्री आएगा, डिस्टॉर्शन अज्यूम करेंगे तो परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो अभी देखो क्या है, जैसे आर सी बाई आर ए आता है एग्जैक्टली जीरो पॉइंट
कितना आया था 155, तो RC by RA 0.155 आता है किसके लिए, ट्रायंगल के लिए, और RC by RA हम लोग निकालने वाले हैं 0.225 आता है फॉर टेट्राहेड्रन, ठीक है, ये हम लोग निकालने वाले हैं। तो अब देखो क्या है, यदि RC by RA इफ इट इज इक्वल टू 0.155 बट ग्रेटर देन दिस वैल्यू बट लेस देन 0.255, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, इस वैल्यू पे हम एग्जैक्टली बोलते हैं परफेक्ट परफेक्ट ट्रायंगल, और यहां पे इस रेंज में क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा बट इससे कम, इसको हम बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल। और ये डिस्टॉर्ट होके कैसे ऑक्यूपाई करेगा, कितना दूर जाएगा, ये सारा देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली, बट हम लोग को कैलकुलेशन बिना डिस्टॉर्शन के लिए करना है। इज दैट क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है B2O3। B2O3 में बोरॉन काफी छोटा होता है। क्या डाउट है लोग, किसी को इसमें डाउट है? एवरीबॉडी रिटर्न से, परफेक्ट सेप का रेशियो हमेशा डिस्टॉर्टेड सेप से कम ही होगा। हाँ, नॉर्मली ऐसा ही देखा गया है कि परफेक्ट शेप का जो रेशियो होता है वो डिस्टॉर्टेड से हमेशा कम ही होता है। हर बार रेंज इसलिए क्योंकि हर बार आयंस जो है अनायंस मूव करके एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाएंगे, इसलिए हर बार एक रेंज आता है। किसी और को कोई डाउट है? मैंने अनम्यूट कर रखा है, पूछ लो। अरेंजमेंट्स का, रिलेटिव अरेंजमेंट्स मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, और एग्जैक्टली कितना दूर जाएंगे ये एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है पैकिंग देख करके। वो फर्स्ट वर्ड आपने क्या लिखा है, आयंस मूव टू एंड ऑक्यूपाई रिलेटिव अरेंजमेंट्स। ओके, और यहां पर लिखा है कि आयंस मूव करते हैं तो रेडियस रेशियो बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ वो रेडियस रेशियो बढ़ रहे हैं इसका मतलब वो दूर जा रहे हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टॉर्शन के बाद जो ट्रायंगल बनेगा वो सिमिलर होगा इस पहले वाले ट्रायंगल से? सिमिलर नहीं होता है, बिकॉज़ क्या है कि बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल ही बन गया वापस, ऐसा नहीं हो सकता? देखो ऐसा हो सकता है बट वो तो एक्सपेरिमेंटल है, हम उसके बारे में कैसे बात कर ले, हम कुछ भी नहीं कह सकते ना। तो हम थ्योरी में वो चीज पढ़ेंगे जिसके बारे में हम श्योर हो। ठीक है, एवरीबॉडी डन? डिस्टॉर्शन का मतलब है कि दूर चले जाएंगे, और दूर जाएंगे तो उसके बाद जो आएगा, अब देखो दूर कितने भी जाए बट मान लो टेट्राहेड्रल वाले ज्योमेट्री में आ गए तो फिर तो टेट्राहेड्रल बन जाएगा ना, बट तीन ट्रायंगल टेट्राहेड्रल वाले ज्योमेट्री में नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि 225 पे टेट्राहेड्रल आ जाता है। इसलिए यदि जैसे 0.2 आया रेडियस रेशियो, तो इसका मतलब क्या है, 0.2 आया रेडियस रेशियो तो कौन से वॉइड में जाएगा? रेडियस रेशियो का मतलब ये है कि रेडियस, अरे रेडियस रेशियो का मतलब क्या है, मान लो जैसे एग्जैक्टली 0.155 ना आता रेशियो और एग्जैक्टली 0.2 आता, तो किस में जाता बताओ? यदि कटायन और अनायन का रेशियो 0.155 ना हो करके 0.2 होता तो क्या टेट्राहेड्रन बनता या ट्रायंगल बनता? ट्रायंगुलर ही बनता बट वो डिस्टॉर्टेड बनता। इज दैट क्लियर? बट मतलब इसका यह है कि यदि इस रेंज में रहा, यदि ये वैल्यू रहा, ये वैल्यू रहा तो एग्जैक्टली ट्रायंगल बनेगा, और इनके बीच रहा तो डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल बनेगा। B2O3 का ज्योमेट्री होता है जिसमें B3+ ट्रायंगल में रहेगा और O3- कॉर्नर्स पे रहेंगे, वो सिलेबस में नहीं है। बेसिकली ट्रायंगल मान लो बोरोन है, ऑक्सीजन है, इस तरह से, ठीक है, ये शेयर्ड होते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये बी ऐसा आ जाएगा BO3/2, तो B2O3 लिखते हैं, बाकी पूरा डिटेल में नहीं है, चलो एग्जांपल बताया तुम्हें। एवरीबॉडी रिटर्न? यस, सबने लिख लिया ना? तो देखो हमें समझनी कुछ चीजें थी, लाइक व्हाई आर वी गेटिंग अ रेंज, फर्स्ट थिंग वी आर गेटिंग अ रेंज ड्यू टू डिस्टॉर्शन। दूसरा क्या है, यदि मान लो रेडियस रेशियो 0.17 आता है तो डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल होगा, 0.155 पे परफेक्ट ट्रायंगल होगा, ठीक है, और यदि 0.155 से लेके 0.225 तक कोई भी वैल्यू आता है तो डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल कहलाएगा।
अब बताओ टेट्राहेड्रन में कैसे निकालोगे रेडियस रेशियो? सर उसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। किसकी वैल्यू? डिस्टॉर्टेड की। डिस्टॉर्टेड की एक्सपेरिमेंटली आती है ना। अरे जैसे तुम्हारे पास NaCl का क्रिस्टल है तो Na+ का रेडियस पता है तुम्हें, Cl- का रेडियस पता है तुम्हें, रेडियस रेशियो देख लो कितना आ रहा है। रेडियस रेशियो यदि 1.155 से लेके 225 के बीच में लाई करता है तो ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है? हां सर। अब देखो चार एटम्स के केस में तुम्हें पता है कि इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होगा, राइट, और इसके ऊपर एक एटम इस तरह से रखा होगा, ये तो सबको पता है। अब इसमें तुम बता सकते हो, देखो टेट्राहेड्रन क्या होता है, टेट्राहेड्रन कुछ इस तरह का होता है, यहां पे तुम्हारा कटायन होगा और इन कॉर्नर्स पे अनायन होंगे, राइट, क्योंकि नॉर्मली कटायन ही छोटा होता है। तो इस केस में तुम जरा यदि ये ए बी और ये डी, ये ट्रायंगल बनाते हैं हम ए बी डी, या फिर जहां पे बी पे तुम्हारा कटायन है, ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है जहां पे कटायन है, और ये तुम्हारा पॉइंट आगे है लेट से डी है। तो यदि तुम इसकी बात कर, हमने इसको ये वाली ट्रायंगल बनाई है, राइट, तो हम ये दे... क्या किसी को कोई डाउट है? लेट से दिस इज पॉइंट पी, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस एंगल, ये वाली एंगल क्या होगी? लेस देन 0.15 हुआ तो कुछ नहीं होगा, वहां वॉइड वैसा बनता ही नहीं है, ठीक है सौरभ? लेस देन 0.155 होगा तो वैसा बनेगा ही नहीं। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है ना, आई होप एवरीबॉडी नोज दिस, दिस एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो अब यदि हम बात करें एंगल ए बी पी की, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 54 डिग्री 44 मिनट्स, राइट। तो अब देखो क्या है, अब यहां पे ये वाला राइट एंगल फिर से हो जाएगा पॉइंट पी पे, तो अब यदि हम लगाएं ये वाला एंगल हमें पता है साइन 54 डिग्री 44 मिनट्स, साइन 54 डिग्री 44 मिनट्स, तो ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब देखो ये आएगा बीपी, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बीपी अपॉन ए ए बी, इज दैट क्लियर? Is that clear everybody? So what is BP? Batao. What is BP? BP is RA and AB is RC plus RA. So sine 54 degree 44 minute ka value yadi tum yahan substitute karoge, jo bhi aata hai. Ye value to mujhe bhi yaad nahi hai. You even don't need to remember this. ठीक है? और उसके बाद जब हम इसको solve करते हैं, then this value comes out to be RC by RA आता है 0.225. ठीक है? ये value तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है. बट हाँ ये वैल्यू याद रखने की जरूरत है, साइन 54 का वैल्यू नहीं, बट ये आरसी बाई आरए जो आता है 0.225, दिस इज फॉर अ परफेक्ट टेट्राहेड्रन, राइट, दिस इज फॉर अ परफेक्ट टेट्राहेड्रन। सर वो एपी बाई एबी आएगा ना? हाँ एक सेकंड, एपी बाई एबी, सॉरी एपी बाई एबी, दिस इज फॉर अ परफेक्ट टेट्राहेड्रन। Everybody clear? ये समझ में आया हमने कैसे बना दिया इसको? देखो समझने की कोशिश करो, ये जो है ना, ये यहां पर देखो, यहां पर क्या, ये दोनों आयंस एक्चुअली में टच करेंगे तो ये AP क्या आएगा बताओ? यहां पर हमने इसको बाइसेक्ट करके कुछ ऐसा बना दिया ना, यहां पे ये वाला पॉइंट P चूज किया, तो ये वाला RA आएगा, तो यहां साइन लोगे तो AP बाई AB आया, तो AB आया RA, AP सॉरी AP P आया RA और AB आया RC plus RA। समझ में आ रही है बात? Please say yes or no? Yes। तो इसको लिख लो फिर जल्दी करो। Yes। हो गया मैं समझ गया। Everybody written? Everybody please respond, say yes or no.
नाउ रिटर्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है 0.225, ये तो फॉर अ परफेक्ट टेट्राहेड्रन होगा या फिर डिस्टॉर्टेड, बताओ? वो तो परफेक्ट टेट्राहेड्रन के लिए होगा, तो फॉर अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन, फॉर अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन ये वैल्यू क्या होता है, आरसी बाई आर ए लाई करता है 225। यहां पे तो परफेक्ट मिलेगा, यहां मिलेगा परफेक्ट टेट्राहेड्रन। अब देखो ये बात ध्यान दो कि चार एटम्स हैं, चार एटम्स ट्रायंगुलर वॉइड नहीं बनाएंगे, चार एटम टेट्राहेड्रन ही बनाएंगे, ठीक है? तो ये वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती डिस्टॉर्शन में कभी भी। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन में 0.225 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि चार एटम्स टेट्राहेड्रल तो बनाएंगे और जब वो दूर जाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो सबसे छोटा होता है ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड थोड़ा बड़ा वॉइड होता है, ये बात समझ में आ रहा है? फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड और बड़ा होगा। एवरीबॉडी आर यू क्लियर ऑन दिस? जैसे ये मान लो तीन एटम तुमने यहां ऐसे रखे थे, तो चौथा एटम इसके ऊपर रखा तो ये दूर चले जाएंगे, तो चार एटम्स थोड़ा बड़ा वॉइड बनाएंगे, तो जब डिस्टॉर्शन होगा तो दूर जा रहे हैं तो रेडियस रेशियो बढ़ता है, ठीक है? इसीलिए ये वैल्यू 225 से छोटा नहीं हो सकता। और ये 414 पे तुम्हें ऑक्टाहेड्रन मिलता है, तो इस रेंज में तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड क्या, टेट्राहेड्रन, है ना? एग्जाम्पल है ZnS, एग्जाम्पल है ZnS, ZnS का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आगे पढ़ने वाले हैं। यहां पे Zn2+ जाता है इज इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एवरीबॉडी रिटर्न नाउ, एवरीबॉडी रिटर्न। देखो पांच एटम से तो कोई स्पेशल वॉइड बनता नहीं है, तो छह एटम से हम लोग जानते हैं क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यदि तुम समझ गए हो इस चीज को, तो कैन यू ड्रॉ दी द डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड? S2FCC पे है क्या? व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क? S2 क्या है, क्या पूछना चाह रहे हो आयुष? Everybody, can you calculate the radius ratio in case of octahedral void? Everybody, say yes or no. So try करके बताओ. Sulfur, sulfur, sulfur lattice side में जाता है. Sulfur lattice side में जाता है. S2- जाता है lattice side पे. या फिर lattice point पे. Everybody, can you hear me? आवाज आ रही है? तुम्हारे साथ फिर नेट का कनेक्शन का इशू होगा। अच्छा ये बताओ, ऑक्टाहेड्रन कर लिया सबने? क्या यार रेशियो बताओ, रेशियो तो बता ही दिया मैंने, ठीक है? चलो मैं करके दिखाता हूं, जैसे मान लो ये एक पॉइंट कनेक्ट किया इसके साथ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो हमें कुछ इस तरह का मिला, ठीक है? तो एक ऊपर होता है, नीचे होता है, राइट? कुछ इस तरह का होता है ना, तो यहां पे पॉइंट ओ मार्क कर देता हूं, और ये लैटिस साइट, लैटिस साइट, लैटिस साइट, लैटिस साइट, लैटिस साइट, लैटिस साइट, कुछ इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है ना बॉडी सेंटर पे। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो यदि हम ये इस पॉइंट को ऐसे मार्क करें, ए बी सी एंड डी, हम इनको ऐसे मार्क कर दें ए बी सी एंड डी, तो क्या मिलेगा हमें देखते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। तो अब देखो ये पॉइंट ए बी सी डी क्या है, दीज आर द फेस सेंटर्स, आई होप इट इज क्लियर, राइट? ये फेस सेंटर है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो यदि हम इस पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ करें, तो यहां पे एक एटम होगा, यहां पे एक एटम होगा, यहां एक एटम होगा, और यहां बीच में खाली होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
ये सबको समझ में आया होगा शायद। तेरी तुम देखो तो बी डी क्या आएगा, देखो दिस इज टू टाइम्स आर ए और ये क्या मिलेगा टू टाइम्स आर सी। तो यदि हम बोले बी डी क्या है तो इट इज ट्वाइस आर सी प्लस आर ए। इज इट क्लियर? प्लीज से यस और नो। एंड बी सी इज टू आर ए। तो अब देखो क्या है, ये वाला एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री क्या आएगा बताओ, ये आएगा 2RA। यहां पर हमने ये लिया है CD लिया है अपॉन 2RC प्लस RA। ठीक है तो 140 ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2 RA अपॉन RC प्लस RA, यानी क्या RC प्लस RA इज इक्वल टू रूट 2RA। तो RC बाई RA क्या आया रूट 2 माइनस 1 विच इज 0.414। ओके एवरीबॉडी, किसमें किसी को डाउट है ऑक्टाइडल वर्ड में कैसे रेडियस रेशियो 0.414 आता है? एंड दिस इज फॉर अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन। एवरीबॉडी इज इट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज इट क्लियर? 0.414 कैसे आया, समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो इसको लिख लीजिए फिर। और नीचे करूं? वंस अगेन प्रथमेश देखो क्या है, ये चार फेस सेंटर्स पॉइंट मान कर लो। दिस इज एफ वन, दिस इज एफ टू, दिस इज एफ थ्री, दिस इज एफ फोर। एक ऊपर एटम होगा, एक नीचे एटम होगा। लेट अस से दिस इज एफ फाइव एंड दिस इज एफ सिक्स। तो ये तुम्हें एक ऑक्टाइडल वर्ड मिलेगा, मैंने एल एल से मेजर किया है। प्रथमेश दिख रहा है तुम्हें? तो अब देखो क्या है, तुम्हें ये समझ में आ गया हो कि ओ वाला पॉइंट ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। तो ये ए बी सी डी मैंने मार्क कर दिया, तो इस तरह का कुछ बनेगा। पॉइंट डी और बी में अनायन अनायन है और यहां पे कटायन है, तो ये बी डी इज टू आर सी प्लस आर है। समझ में आ रहा है? ठीक है तो अब देखो कॉस 45 डिग्री क्या आएगा, सी डी अपॉन बी डी यानी टू आर ए अपॉन आर सी प्लस, मतलब टू आर ए अपॉन टू इंटू आर सी प्लस आर ए। इज इट क्लियर नाउ? Everybody written? तो उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है, आर ए अपॉन आर सी करेंगे। Everybody written now? ठीक है, सबका लिखने का काम हो गया? हाँ हो जाएगा, पाइथागोरस से भी हो जाएगा, तुम कैसे भी कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्री है यहाँ पे। अच्छा बताओ, सात एटम में तो कोई स्पेशल वॉइड नहीं होता है, आठ एटम्स में क्या बनता है बताओ? आठ एटम्स में बनता है क्यूबिक वॉइड। आठ एटम में बनता है क्यूबिक वॉइड, इज दैट क्लियर? तो कैन यू कैलकुलेट द रेशियो फॉर अ क्यूबिक वॉइड, रेडियस रेशियो? देख लिया, देखा ओम कदम, क्या देखना था तुम्हें? डन ओम, डन। चलो अब निकालोगे तुम लोग, कैलकुलेट करोगे? डिस्टॉर्टेड बनेगा बट डिस्टॉर्टेड में वही रेंज होगा, डिस्टॉर्टेड में बनेगा, मैं लिख ही देता हूं, लाओ। यदि RC बाई, वही कहानी है, यदि RC बाई RA एग्जैक्टली 0.414 आता है तो यहां तुम्हें परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन मिलेगा। और यदि ये इस रेंज में आता है तो यहां क्या बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे डिस्टॉर्टेड। वही चीज फिर से रिपीट हो जाएगी, और क्या,
वैसे ही चलेगा। एग्जाम्पल क्या है, NaCl, NaCl में Na प्लस ऑक्टाइडल वर्ड में जाता है, NaCl में Na प्लस goes in octahedral word. Fine, can you calculate this now? For 7 atoms there is no special word. So can you calculate for 8 atoms? For 8 atoms we will have a cubic void. देखो 7 atoms पे कुछ नहीं होता। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको solve करके दिखाएं। Can you do it now? 8 atoms के लिए क्या आएगा? 0.73, ठीक है। Can you do it? Body diagonal के along होगा, सही है। हाँ, √3-1. देखो अभी क्या है कि यहां पे बॉडी डायगोनल मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी, सो देयर विल बी एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड अलोंग दिस बॉडी डायगोनल ए डी। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? देयर विल बी एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड अलोंग द बॉडी डायगोनल ए डी। अब ए डी में कुछ इस तरह का होगा, दिस विल बी ट्वाइस आर सी, और डायग्राम समझ लो थोड़ा सा गंदा सा है, तो AD समझ में आया होगा सबको, 2 टाइम्स RC प्लस RA है। इज इट क्लियर? AD विल बी 2 टाइम्स RC प्लस RA। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? किसको डाउट है इसमें? ऑल्सो AD इज √3A, AD इज √3A विच इज 2 टाइम्स RC प्लस RA। नाउ A इज इक्वल टू 2RA, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिला? हमें मिला √3 RA माइनस RA इज इक्वल टू RC, तो RC बाई RA इज इक्वल टू √3-1। एवरीबडी इज इट क्लियर हाउ हैव यू गॉट √3-1? एवरीबडी इज इट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? प्लीज राइट इट डाउन देन। दिस इज अगेन फॉर अ परफेक्ट क्यूबिक वॉइड। वन से बड़ा हुआ, जब सपोज यदि आरसी बाई आर ए वन से बड़ा हुआ, जैसे 1.2 आया, तो आर ए बाई आरसी निकालेंगे, छोटा वाला जाएगा ना वॉइड में फिर, ठीक है। अरे मान लो अनायन बड़ा है तो अनायन जाता है लैटिस पॉइंट पे, यदि अनायन छोटा होगा तो अनायन जाएगा फिर वॉइड में। हमने अनायन के बीच के डिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है। अरे दिस इज नॉट अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यहां पे ये क्यूबिक वॉइड है तो क्यूबिक यूनिट सेल में मिलेगा, तो ये दोनों परफेक्टली टच करते हैं ना क्यूबिक में, मोस्टली अनायन ही बड़ा होता है। हाँ, इज दैट क्लियर? हमने अनायंस के बीच के डिस्टेंस को इग्नोर नहीं किया है। अरे सब लोग को समझ में आ रहा है ये बात? एवरीबडी, हमने अनायंस के बीच के डिस्टेंस को इग्नोर नहीं किया है। दिस इज अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? सिंपल क्यूबिक लैटिस में एटम्स टच करते हैं ना एक दूसरे को, ये बॉडी सेंटर्ड थोड़ी है कि बीच में खाली जगह होगा। A इज इक्वल टू 2R, अरे सिंपल क्यूबिक में A इज इक्वल टू 2R होता है ना, सिंपल क्यूबिक में A इज इक्वल टू 2R होता है, और अनायन ही तो लैटिस साइड पे है, तो वो R एक्चुअली में RA है ना। इसमें इस और किसी को डाउट है? सिंपल क्यूबिक में अनायन बड़ा है यदि, तो अनायन साइड पे जा रहा है, तो रेडियस किसका है? अनायन का ही है ना। एवरीबॉडी रिटर्न, आरसी बाई आर ए वन हो गया, यानी कटायन अनायन का साइज एक ही है,
तो वो तो अरे एक सवाल है प्रतीक का, आरसी बाई आर ए यदि वन हुआ तो क्या होगा बताओ। चलो एक देखते हैं क्या होगा, बाकी तब तक सोचो। ठीक है क्वेश्चन सही है तुम्हारा, यदि आरसी बाई आर ए वन हुआ तो क्या होगा। देखो आरसी बाई आर ए लाई करता है 0.732 से लेके 0.9999 तक। यहां पे ये मिलेगा परफेक्ट क्यूब और यहां पे मिलेगा डिस्टॉर्टेड क्यूब। इसका एग्जांपल है सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड जहां पे सीजियम पॉजिटिव होता है क्यूबिक वॉइड पे और सीएल माइनस होता है कहां पे बताओ, लैटिस साइड पे, जो कि है एज मतलब कॉर्नर्स, लैटिस साइड यानी कि कॉर्नर्स। अब ये बताओ, एक बच्चे ने पूछा है कि यदि आरसी बाई आर ए सेम हो गया तो क्या होगा। नहीं, रेडियस रेशियो तो वन हो गया। सी यदि आरसी बाई आर ए वन है इसका मतलब आरसी इक्वल है आर ए के, तो ऐसा कभी होता है? अच्छा, इज इट पॉसिबल कि दो आयंस के साइज सेम हो जाएं? ऐसा हो सकता है क्या कि दो आयंस के साइड परफेक्टली सेम हो, एक कटायन और दूसरा अनायन? यदि ऐसा होता है तो तुम्हें मिलेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये क्यूबिक है ही नहीं फिर। समझ में आया? यदि ऐसा होता है तो तुम्हें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मिलेगा बिकॉज ऑल एटम्स आर सेम। इसका मतलब यही है ना, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। तो जो बॉडी सेंटर पे है, देखो समझने की कोशिश करो, ये सवाल जो है क्या है मैं बताता हूं। जैसे हमने क्या पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक लिखते हैं एस सी, सिंपल क्यूबिक। यहां पे क्या होता है, एटम्स जो है वो टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, एटम्स टच करते हैं एक दूसरे को, तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरह से बनाया। तो यहां पे जो आर सी बाई आर ए है वो होता है 0.732, इसलिए यहां पे, क्योंकि इसका मतलब अंदर वाला एटम छोटा है, राइट। अब यदि यदि अंदर वाला एटम इसी साइज का हो जाएगा तो फिर तो बॉडी सेंटर क्यूबिक बन जाएगा, ये इस तरह का कुछ हो जाएगा। समझ में आया? यहां आर सी बाई आर ए यदि वन है तो अंदर वाला भी लैटिस साइड ही कहलाएगा, ये हो जाएगा सिंपल क्यूबिक की जगह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इज दैट क्लियर? ओके एवरीबॉडी रिटर्न नाउ। डिस्टॉर्टेड में एटम्स थोड़े दूर चले जाएंगे और कुछ नहीं, डिस्टॉर्टेड में एटम्स थोड़े से दूर चले जाएंगे। आइडियल केस यही है कि परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। एक मिनट, तब तक लिखो, मेरे को एक कॉल आ रहा है, जस्ट राइट डाउन। हेलो, ओके एवरीबॉडी डन। बोलो किसको क्या बोलना है। नोबल एटम सेम साइज के नहीं होते ना कभी भी। हाँ प्रथमेश बोलो। प्रथमेश बोलो, यू आर अनम्यूट। प्रथमेश जो बोलना है बोलो, तुमको अनम्यूट किया है मैंने।
प्रथमेश एग्जाम्पल यही है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगा वो। अच्छा और किसी का कोई डाउट है क्या, वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगा? एवरीबॉडी क्लियर? फाइन। अब देखो क्या है, तुम्हें यदि अभी भी डाउट है तो मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं। तो होता क्या है, मान लो हमारे पास ये सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, CS प्लस CL माइनस, ठीक है? तो यहां पे CL माइनस होगा, यहां पे CL माइनस होगा और बीच में CS प्लस होगा। तो ये पॉइंट यदि बॉडी डायगोनल AD हम कंसीडर करते हैं तो AD में क्या होगा, AD में बीच में CS प्लस आया, यहां CL माइनस, यहां CL माइनस, ठीक है ना? आई होप इट इज क्लियर ना। अब यदि तुम देखो ये अभी भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो इन सिंपल क्यूबिक सेल हम क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री ए जो कि बॉडी डायगोनल है, दिस इज ए डी, इट इज इक्वल टू टू टाइम्स आर सी प्लस आर ए, यानी आर सी प्लस आर ए इज रूट थ्री बाई टू ए, ठीक है? अब जरा देखो जो तुम पूछ रहे हो, यदि आर सी बाई आर ए को हम आर लिख दें तो हमें क्या मिलेगा, टू आर इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू ए, तो हमें क्या मिला, आर इज रूट थ्री बाई फोर ए, यही मिलता है ना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, रूट थ्री ए इज इक्वल टू फोर आर, एवरीबडी यही मिलता है ना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, रूट थ्री ए इज इक्वल टू फोर आर, तो ये वापस मिल जाएगा तुम्हें। क्या अभी भी नहीं समझ में आया ये कैसे कन्वर्ट हुआ यदि दोनों बराबर हो जाएंगे तो? प्लीज रिस्पॉन्ड इन यस और नो। ठीक है, तो अब इसको लिखना है क्या, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तुमने पूछा था बहुत लोगों ने कि कैसे कन्वर्ट होगा, तो मैंने बता दिया कैसे कन्वर्ट हुआ। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे इट इज नॉट रिक्वायर्ड, मैंने समझाने के लिए बताया कि हाउ इज इट गेटिंग कन्वर्टेड। तो एक्चुअली रेडियस कभी बराबर नहीं हो सकते। किस बच्चे ने पूछा था, मान लो RC by RA लेट से आया 1.5, तो हम क्या करेंगे, RA by RC निकालेंगे, वो 1 by 1.5 आएगा, यानी 2 by 3। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये होगा कि RA यानी अनायन जाएगा वॉइड पे और कटायन जाएगा लैटिस साइड पे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। R void upon, हाँ, R void upon R sphere is same as R cation upon R anion. But यहाँ पे R sphere मतलब वो, जैसे तुम यदि कोई ऐसा बुक में लिखता है R void upon R sphere, तो void तो void है और sphere क्या है, sphere है lattice side. Is that clear? Everybody is it clear now? चलो, सो दिस वॉज अबाउट वॉइड्स। तो आपको एक वॉइड का बेसिक आइडिया आ गया होगा, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। एक समरी हल्का सा लिख लेते हैं, समरी हमने क्या क्या पढ़ा है, समरी किसका, वॉइड का। अगर इन्फाइनाइट हो गया तो ये कौन है भाई। अच्छा, रेडियस रेशियो इन्फाइनाइट हो सकता है क्या, बाकी लोग बताइए, रेडियस रेशियो इन्फाइनाइट हो सकता है क्या, रेडियस रेशियो इन्फाइनाइट का मतलब क्या है, एक अनायन बहुत बड़ा है और दूसरा अनायन है ही नहीं, तो इस तरह के सवाल क्या पूछने का मतलब है बताओ, रेडियस रेशियो जीरो और इन्फाइनाइट कहां से हो सकता है। देखो यहां पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, रेडियस रेशियो, ज्योमेट्री लिख लेते हैं एंड एग्जाम्पल्स, ज्योमेट्री के साथ हम एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। देखो रेडियस रेशियो यदि 0.155 से लेकर के, मान लो रेडियस रेशियो x है, से 0.225 तक जाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आया, ज्योमेट्री आएगा ट्रायंगुलर वॉइड और एग्जांपल है B2O3। ठीक है, मान लो ये 225 से लेकर के 414 के बीच में लाई करता है, तो ये आएगा 4 और हो जाएगा टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल है ZNS, 414
से लेके 732 तक हुआ तो इन दैट केस ये आ जाएगा 6 आएगा ऑक्टाहेड्रल कैलकुलेशन इन डिफरेंट अरेंजमेंट वी गेट डिफरेंट. वेदांत तुम पूछना क्या चाह रहे हो? देखते आई कम टू योर डाउट वेदांत. ठीक है एक क्वेश्चन मैं दे दूंगा तुम्हें. तो ट्रायंगुलर जाएगा ठीक है प्रतीक ट्रायंगुलर हो जाएगा. ओके एवरीबॉडी रिटन सबने लिख लिया था ना. एवरीबॉडी रिटन थोड़ा लिख लो अब जल्दी. अब इसके ऊपर तुम्हारे जो तुम्हारे सवाल है उसका जवाब देता हूं. ये तुम्हें समझ में आ जाएगा जब तुम एक क्वेश्चन करोगे ठीक है. Now written. Everybody written. First example is B2O3. First example is B2O3. This is B2O3. ठीक है. अब आगे बढ़ जाएं. ठीक है अब देखो हमें करना क्या है. एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है. एक्चुअली में क्वेश्चन देखो क्या है. तुम्हारे पास एक सॉल्ट है AgI. फॉर द सॉल्ट AgI यानी सिल्वर आयोडाइड है तुम्हारे पास. RAg+ सिल्वर रेडियस सिल्वर आयन का जो है इट इज 126 पिकोमीटर एंड Ri- आयोडाइड आयन का जो रेडियस है इट इज 216 पिकोमीटर. ठीक है तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Ag+ आयन. चलो ये सॉल्व करो. वेदांत तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब इस क्वेश्चन में है. क्वेश्चन क्लियर है सबको. तुम्हारे पास एक सॉल्ट है AgI सिल्वर आयोडाइड. ठीक है सौरभ बाकी लोगों को आंसर करने दो. ठीक है सौरभ उमंग तन्मय कथन सबका आंसर सही. वेदांत तुम बताओ तुमने सवाल पूछा है एक्चुअली पूछा है तुम्हारा आंसर. ठीक है नेक्षा सही है अचल सही है ठीक है अनिमेष ठीक है सिक्स सही है. नहीं प्रथमेश सॉरी स्वयं सही है प्रथमेश भाग्य अथर्व. वेदांत तुमने सवाल पूछा है तुम्हें आंसर नहीं कर रहे हो. अथर्व सुजल हाँ सही है. कोऑर्डिनेशन नंबर तुम 0.58 बताओगे. चेतन आंसर सही है. प्रथा जिन्होंने आंसर दिया है सबने सही दिया है. नहीं दो नहीं है ओम गलत. तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा. वेदांत ने तो आंसर दिया ही नहीं उसने ही पूछा था सवाल. हाँ आप 6 है आंसर. बहुत लोगों ने दिया है आंसर सही है सबका. सी आंसर इज 6. देखो यहां पे Rag+ Ri- ये रेशियो यदि हम निकालें तो 126/216 कितना आ रहा है बताओ. 126/216 कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.55 और 0.6 के बीच में होगा. 0.5 नहीं आएगा इट विल बी 0.58 या 57 चेक कर लो. ठीक है 0.5857 ऐसा ही कुछ होगा. तो अब ये रेशियो कहां पे लाई कर रहा है. ये रेडियस रेशियो है 0.58 तो ये रेशियो लाई कर रहा है. हमने पढ़ा था ना RC/RA जब 0.414
से लेकर के 0.732 आएगा तो ये ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। हाँ ठीक है 0.5833 तो ये ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। तो अब ये ऑक्टाहेड्रल में गया तो Ag+ is forming, इसका मतलब Ag+ is forming a distorted octahedron। तो कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ी चेंज होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रन तो 6 होता है ना। वेदांत अभी क्लियर हुआ तुम्हारा? रेडियस कैसे डिसाइड करते हैं, उससे ज्योमेट्री कैसे पता चलता है रेडियस से? अरे हाँ या ना तो जवाब दो। ओके रिटन एवरीवन, एवरीबॉडी रिटन, ठीक है। अब देखो हम लोग, हमारा जो टॉपिक है पैकिंग ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स, पैकिंग ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स, ठीक है। अब हमें कुछ कॉमन कंपाउंड्स की पैकिंग देखनी है। अब हमें रेडियस रेशियो वगैरह की जानकारी है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे जब हम पैकिंग करेंगे तो कटायन का कांटेक्ट नहीं कराएंगे कटायन के साथ, अनायन का कांटेक्ट नहीं कराएंगे अनायन के साथ, कटायन का कांटेक्ट अनायन के साथ कराएंगे। ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। अरे हाँ या ना में जवाब दो। यानी कटायन का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन हमेशा अनायन होगा और अनायन का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन हमेशा कटायन होगा। सेकेंड कोऑर्डिनेशन कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बट हम एक जनरल बात बोल सकते हैं कि कटायन के बाजू में अनायन और अनायन के बाजू में कटायन, ये तो फिक्स होगा। इज इट क्लियर कि कटायन के बगल में अनायन ही रखना है और अनायन के बगल में कटायन ही रखना है, अनायन अनायन और कटायन कटायन साथ में नहीं रख सकते। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास कोई सॉल्ट ए बी है, एग्जाम्पल NaCl, तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ Cl माइनस, ये समझ में आ रहा है? जितने Na प्लस है उतना ही Cl माइनस है ना, किसमें? इन अ यूनिट सेल। इज एवरीवन क्लियर? जितना Na प्लस है उतना ही Cl माइनस है ना यूनिट सेल में, इसमें किसी को डाउट है? Ab2 कर दिया, एग्जांपल MgCl2 कर दिया, तो यानी कि क्या Cl2 डबल है ना Mg2 प्लस के, ये समझ में आ रहा है? Cl2 डबल है ना Mg2 प्लस के? अरे हाँ ना जवाब दो। ओके ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक सॉल्ट है Ab, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है Cn मैंने लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर A का आया P, तो कोऑर्डिनेशन नंबर B का क्या आएगा ये बताओ तो? तुम्हारे पास एक सॉल्ट है AB और कोऑर्डिनेशन नंबर A का आया है, A का कोऑर्डिनेशन B से होगा और B का कोऑर्डिनेशन A से होगा, मान लो ये A प्लस है और ये B माइनस है, तो आंसर आएगा, गुड बहुत लोगों ने सही दिया आंसर, आंसर आएगा P, सही है। ये सबको समझ में आया? A का कोऑर्डिनेशन नंबर P है तो B का कोऑर्डिनेशन भी P ही होगा। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? अरे यदि नंबर ऑफ आयंस इक्वल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इक्वल ही होगा, ये समझ में आया? ओके चलो अब ये बताओ, तुम्हारे पास ये सॉल्ट है A प्लस टू और B बी टू है, तो यहाँ पे A क्या है, यहाँ पे A टू प्लस है और B माइनस है, मतलब एग्जांपल मैं इस तरह से दे देता हूं, दिस इज A प्लस टू और दो B माइनस है, ठीक है। तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर A का इट इज P, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बी का क्या आएगा जरा ये बताओ तो? गुड, इट इज पी बाय टू, नहीं कुछ लोग तो सही आंसर दे रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन, इट इज पी बाय टू, गुड 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 गुड, चलो ठीक है। मान लो ए एक्स बी वाई एक सॉल्ट है जहां पे है ए वाई पॉजिटिव एंड बी एक्स नेगेटिव, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट The ratio of, हाँ सही है, P by 2 is correct, जिन्होंने भी answer P by 2 दिया है, भाग्येश, अक्षित, ओम, सबका answer सही है। Calculate the ratio of coordination number of A to coordination number of B, क्या आएगा बताओ?
आंसर हाँ उमंग करेक्ट गुड ठीक है ये आएगा y बाई एक्स। और ये बताओ कि कितने लोग को समझ में आ गया हमने क्या किया। यदि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स x इज टू y है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो y इज टू x होगा। कितने ठीक है बहुत लोगों ने जवाब दिया है। कितने लोग को नहीं समझ में आया ये बताओ। ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी ही थी। कितने लोग को नहीं समझ में आया ये बताओ। बहुत लोगों ने तो आंसर दिया है दैट इज वेरी गुड। बाकी लोग बताइए ये समझ में आया। वराड नहीं समझा ठीक है। ऋग्वेद नहीं समझा ओके। एनीबडी एल्स दो ही लोग हैं बाकी सबको समझ में आ गया ठीक है ठीक है ठीक है। तीन चार चलो पहले इसको लिख लो। लेट अस फर्स्ट राइट दिस राइट इट एवरीवन ठीक है। पहले इसको लिखो रिटर्न पहले लिख लो। आई विल एक्सप्लेन डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन। पहले इसको लिख लो स्क्रोल अप। आरएन हो गया ठीक है। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। Should I move to the next page? Written everybody, please respond in yes or no. See, हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? Basic concept ये है हमारे पास कि in a salt, AXBY या कुछ भी हो, if ratio of नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो यदि x इज टू y है, यदि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स x इज टू y है तो रेशियो ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या होता है। रेशियो ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेशन हमेशा y इज टू x होता है। देखो ये ज्यादातर केसेस में बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे बता देते हैं। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे ने बता दिया। अब देखो इसको समझेंगे कैसे। मान लो तुम्हारे पास एक तरह का सॉल्ट है Na प्लस और Cl माइनस। तो देखो हम क्या करते हैं Na प्लस Cl माइनस। देखो फिर Cl माइनस Na प्लस। तो फिर यहां क्या आ जाएगा Na प्लस Cl माइनस। तो देखो यदि नंबर ऑफ आयंस इक्वल है तो Na के प्लस के आसपास चार Cl माइनस है। तो Cl माइनस के आसपास देखो Na प्लस के आसपास कितने Cl माइनस है। इस Na प्लस को पकड़ते हैं तो 1, 2, 3, 4। तो यदि Na प्लस और Cl माइनस का रेशियो 1:1 है तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया Cl माइनस के साथ 4। और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया, देखो इसको क्रॉस से मैं दिखाता हूं 4। तो जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है तो रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो इक्वल ही होगा। इज इट क्लियर। नहीं समझ में आया। अरे मान लो एक कमरे में 10 बंदर 10 बंदरिया, बंदर के हर बंदर के बगल में बंदरिया। तो बताओ यदि बंदर के बगल में चार बंदरिया तो बंदरिया के बगल में कितने बंदर। दैट इज हाउ यू कैन आंसर दिस। अरे आंसर समझ में आया। अरे यार अभी भी नहीं समझ में आया। प्लीज रिस्पॉन्ड। अरे यदि नंबर मान लो बंदर या फिर बंदर कुत्ता मान लो कुछ भी मान लो, तो यदि नंबर इक्वल है उनका, जैसे एक के बगल में चार है तो दूसरे के बगल में तो चार ही होगा ना। काउंटर आयन का कॉन्सेप्ट है। अभी भी नहीं समझे। अरे वो वाला एग्जांपल बहुत मस्त है। एक रूम में 10 बंदर हैं और 10 बंदरियां हैं। तो हमने क्या किया, बंदर के बगल में बंदरिया बिठाया है और बंदरिया के बगल में बंदर बैठा है। तो अब मान लो एक बंदर के आसपास चार बंदरिया, तो बंदरिया के आसपास कितने बंदर, चार ही ना। तो नंबर बराबर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो बराबर ही होगा ना। अब दूसरा केस ले लेते हैं। मान लो 10 बंदर और 5 बंदरिया। अब हमको करना वही है, अभी भी बंदर के आसपास बंदरिया बिठाना है और बंदरिया के आसपास बंदर, 10 बंदर 5 बंदरिया ठीक है।
तो एक बंदरिया के आसपास मान लो चार बंदर, तो एक बंदर के आसपास कितनी बंदरिया? दो ना, अभी भी नहीं समझ में आया? अरे ये उल्टा हो रहा है रेशो अथर्व, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? पहले x is to y है, अभी y is to x क्यों आया? पहले भी तो यही आया था, कुछ और आया था क्या? पहले देखो x y is to x ही था कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी भी वही है। अथर्व तेरे को दिख भी नहीं रहा है क्या रे? अरे ये समझ में आ रहा है ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? अथर्व तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं हुआ? पहले फिर, अरे देखो, अरे यार समझने की कोशिश करो कि जिसके नंबर ज्यादा हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। जैसे बंदर 10 थे और बंदरिया 5, और हर बंदरिया को बंदर के साथ बिठाना है तो बंदरिया का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा आएगा क्योंकि उसके नंबर कम है। या ऐसा मान लो कि 10 लड़कों का क्रश एक लड़की पे है, ठीक है, 10 लड़कों का क्रश एक लड़की पे है, तो हर लड़के का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अब ये भी समझ में नहीं आया तो देख, इससे ज्यादा तो मैं नहीं समझा कर सकता। 10 लड़के का क्रश एक लड़की पे है, तो अब लड़कों का कोऑर्डिनेशन नंबर लड़की के साथ निकालना है। लड़कों का कोऑर्डिनेशन नंबर लड़की के साथ क्या आया? एक। बट लड़की का कोऑर्डिनेशन नंबर लड़कों के साथ क्या आया? 10 आया ना। तो लड़का इस टू लड़की का रेशियो 10:1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या आ रहा है? अरे कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या आ रहा है? 10:1 आ रहा है ना। अभी भी नहीं समझ में आया? अथर्व इज दैट क्लियर नाउ? तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यदि x is to y है तो कोऑर्डिनेशन नंबर y is to x आएगा। अब लिख लो, नाउ यू कैन राइट दिस। सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। If the ratio of number of atoms is x is to y, then the ratio of first coordination will be y is to x. Written everyone? The पहले ही लिख लिया होगा। Fine. अभी देखो, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट वी विल स्टडी इज NaCl। NaCl किसी भी एग्जाम में फेवरेट है, सबका टॉपिक NaCl फेवरेट है। तो लेट अस स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। देखो NaCl का स्ट्रक्चर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है। तो यदि तुम देखो यहां पे RNa प्लस अपॉन RCl माइनस जो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, इट इज 0.51। ये तुम्हें बट याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज एक्चुअली 0.51। तो अब बताओ, अब इनका मतलब अब Na प्लस कौन से वर्ड में जाएगा? Na प्लस कौन से वर्ड में जाएगा? तन्मय बताओ, तन्मय राय। Na प्लस कौन से वर्ड में जाएगा? ऑक्टाहेड्रल में जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो रेंज ऑक्टाहेड्रल के आसपास ही है। तो Na प्लस जाएगा ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ FCC। देखो ये FCC होता है, तुम्हें याद करना है FCC। तो वैसे तुम्हें ये याद ही था, करवाया मैंने। Cl माइनस कहां जाएगा? लैटिस पॉइंट्स पे, लैटिस साइड्स या लैटिस पॉइंट क्या बोलते हैं यहां पे, फेस सेंटर्स एंड कॉर्नर्स, ठीक है। हाँ, उसी के बीच में 0.414 और 732 के बीच में। तो अब देखो Na प्लस कहां जा रहा है? ऑक्टाइडल वॉइड्स में। और Cl माइनस कहां जा रहा है? लैटिस साइड पे। तो अब चलो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर तो हम लोग बहुत दिन से ड्रॉ कर रहे हैं Na प्लस का, NaCl का, बोला था ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस कहां जाएगा? एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे, इस तरह से।
तो ये सीएल माइनस हो गया। सीएल माइनस कहाँ कहाँ है? फेस सेंटर और बॉडी सेंटर पे, और एन ए प्लस कहाँ है? नहीं, सीएल माइनस है फेस सेंटर और कॉर्नर पे, और एन ए प्लस है फेस एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। इज इट क्लियर एवरीबडी? एवरीबडी इज इट क्लियर नाउ? इसको लिख लो फिर, ये तुमने कई बार पहले भी ड्रॉ किया है। फाइन फाइन। सो अब देखो कुछ रिजल्ट्स हमें चाहिए। यदि तुम देखोगे तो एज पे क्या हो रहा है, एज पे ऐसा है सीएल माइनस Na प्लस सीएल माइनस, फिर से Na प्लस सीएल माइनस, Na प्लस सीएल माइनस, Na प्लस। सो दिस इज अ फेस, ये एक फेस है। नाउ कंसिडर दिस टू बी एज लेंथ ए, नाउ कंसिडर दिस टू बी एज लेंथ ए। तो अब ए किसके बराबर है बताओ? तो दिस ए इज टू टाइम्स आर Na प्लस एंड आर सीएल माइनस। ये समझ में आया? ये पूरा और ये आधा प्लस आधा, तो ये 2r Na प्लस, ये समझ में आया? दिस इज फेस, ये एक फेस है, किसका है? NaCl क्रिस्टल का, ठीक है? अब देखो क्या मिला, Rc प्लस Ra इज इक्वल टू a बाय 2। Rc प्लस Ra क्या आया? a बाय 2। इसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीबॉडी क्लियर? RC plus RA is A by 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में, तो इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आए हैं, नॉट जस्ट वन टाइम, बहुत बार आए, ठीक है? अच्छा अब देखो क्या है, तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? सीएल माइनस का निकालो, सीएल माइनस का निकालो, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या आएगा यहां पे बताओ? पहले तो निकालो डिस्टेंस और निकालो फिर नंबर। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? तो बता, सीएल माइनस का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या है? 6 है, गुड, क्योंकि सीएल माइनस कहां, देखो सीएल माइनस का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन होगा Na प्लस, और सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या होगा? सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या होगा? सेकंड कोऑर्डिनेशन सीएल माइनस ही होगा। तो डिस्टेंस आएगा a by 2, गुड, अद्वैता सही, और नंबर आएगा 6। बाकी वेदांत प्रणव करण सब ने सही आंसर दिया। सेकंड क्या आएगा? सेकंड, सेकंड क्या आएगा? सेकंड कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस और नंबर बताओ, सेकंड कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस क्या आएगा? पूजा से अभी नहीं, नहीं a नहीं आएगा, दिस विल बी a by root 2 एंड दिस विल बी 12। इसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीबॉडी इज इट क्लियर? एवरीबॉडी इज इट क्लियर और नॉट? नहीं, अरे एफसीसी में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, तो सीएल माइनस का सीएल माइनस के साथ देख रहे हैं, तो दो फेस सेंटर के एटम के बीच में तो वही आएगा ना 12। हमने निकाला था एफसीसी का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन। कोई डाउट है इसमें? फॉर Na प्लस, Na प्लस के लिए बताओ, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन Na प्लस का आएगा सीएल माइनस, सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या आएगा? Na प्लस। तो इस बार बताओ डिस्टेंस क्या है, Na प्लस का सीएल माइनस के साथ डिस्टेंस क्या है? 3cn a root 3 a by 2, गुड, और नंबर क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखो, अरे तुम्हें पता है 1:1 रेशियो है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का होगा वही cl माइनस का होगा ना, या तो सोचना ही नहीं है। अच्छा सेकंड बताओ, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा Na प्लस का? और डिस्टेंस? डिस्टेंस a बाई 2 रूट 2। नहीं 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 अभिलाषा, Na प्लस का सेकंड कोऑर्डिनेशन बताइए क्या आएगा? नहीं अथर्व, a तो नहीं होगा,
एक सेकंड देख लेता हूं, ए बाय रूट टू आ रहा है, क्या आ रहा है तुम लोग का? ए बाय रूट टू, गुड। अरे तुम बॉडी सेंटर को यदि रेफरेंस लेते हो तो बॉडी सेंटर वाला जो Na प्लस है उसके जस्ट आसपास तो 6 Cl माइनस है, तो नेक्स्ट इसका कोऑर्डिनेशन क्या आएगा? एज सेंटर ही आएगा ना, इज दैट क्लियर? अरे इसमें किसी को डाउट है क्या? हाँ, एज सेंटर लिया है हमने, एज सेंटर के रिस्पेक्टिव में भी निकाल सकते हो, एज सेंटर के रिस्पेक्टिव में हमने निकाला ही था ना, एज सेंटर के रिस्पेक्टिव वही आ जाएगा, 12 ही आएगा। करके देख लो तुम, आ जाएगा, वही आएगा। एवरीबॉडी क्लियर है या डाउट है? सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा। रिटर्न एवरीवन, आगे बढ़ जाए। देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है सीजियम क्लोराइड, CsCl। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज CsCl, ये लास्ट है आज के लिए, CsCl सीजियम क्लोराइड। यहां पे रेडियस रेशियो लाई करता है 0.732 से लेके 1.0 के बीच में, यहां पे रेडियस रेशियो लाई करता है। तो अब खुद बताओ कौन सी चीज कहां पे जाने वाली है, इसका मतलब कौन सी चीज कहां पे जाएगी बताओ? CS प्लस जाएगा क्यूबिक वॉइड में और Cl माइनस कहां जाएगा? कॉर्नर्स में। तो ये भी एक और ये भी एक है और ये है सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। बीसीसी आहे ना? नहीं, बीसीसी नहीं है, दिस इज नॉट बीसीसी। एवरीबॉडी आर यू क्लियर? मैंने ये समझाया था अभी थोड़ा देर पहले कि ये कैसे बीसीसी नहीं है। नहीं, दिस इज क्यूबिक वॉइड जो है वो तो सिंपल क्यूबिक में मिलता है ना। अरे क्यूबिक वॉइड सिंपल क्यूबिक में मिलता है तो बीसीसी में कैसे बता दें या फिर एफसीसी कैसे बता दें? अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था CsCl का एग्जांपल। तो यदि तुम समझने की कोशिश करो तो Cl- ब्रैकेट में एक, मतलब एक CS प्लस है और एक Cl माइनस है। एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली वन CS पॉजिटिव है क्यूबिक वॉइड पे और वन Cl माइनस है, 8 × 1/8। यहां पे बीच में कहीं पे CS प्लस आ जाएगा, तो यहां पर तुम यदि देखो तो यहां पे बॉडी डायगोनल क्या है? लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज डी, एडी इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल, एडी इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल क्या आएगा? एडी आएगा रूट थ्री ए, तो ये हमने पहले किया ही था, इट इज 2RC + RA, तो ये क्या आएगा? RC + RA इज इक्वल टू रूट 3/2A। ये बीसीसी नहीं है, दिस इज सिंपल क्यूबिक, दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अरे बीसीसी होने के लिए आरसी आरए बराबर होना चाहिए। हाँ, लैटिस पॉइंट्स आर एट कॉर्नर्स। अरे सेम चीज है, मैं ये बोल रहा हूं कि CsCl के क्रिस्टल में Cl माइनस कहां पे होंगे? Cl माइनस कॉर्नर्स पे होंगे और ये CS और CS प्लस होगा बॉडी के सेंटर पे। फिर ये फोटो बना दिया, ये तो पहले भी किया था ना, अभी भी डाउट है क्या? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इसको लिख लिया क्या? ये मैं लास्ट टॉपिक है, इसको एक बार खत्म कर लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह निकाल लेते हैं। रिटर्न एवरीवन, नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बट आरसी प्लस आरए का जो रिलेशन है वो तो आपको याद करना पड़ेगा।
कोऑर्डिनेशन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये सब रिजल्ट्स याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हम निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस। अब बताओ CS प्लस के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या है, CL माइनस है, तो यहां नंबर और यहां डिस्टेंस बताओ। सेकंड कोऑर्डिनेशन क्या है और फॉर CL माइनस करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन और सेकंड। तो बताते जाओ CS प्लस के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या है, CL माइनस, तो क्या होगा क्यूबिक वॉइड में 8, और डिस्टेंस क्या आएगा बताओ, रूट 3 बाई 2। सेकेंड कोऑर्डिनेशन क्या है CS प्लस का, CS प्लस ना, नंबर क्या है 6, और डिस्टेंस क्या है बताओ a बाई 2। CL माइनस का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन CS प्लस, नंबर 8, डिस्टेंस रूट 3 बाई 2 है। सेकेंड कोऑर्डिनेशन क्या है, एक सेकेंड, ये CS प्लस के लिए 6, ये डिस्टेंस हो जाएगा a। दिस इज CL माइनस 6, दिस इज a। यहां तक समझ में आया, किसी को डाउट है इसमें, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस, दिस इज CS प्लस, दिस इज CL माइनस, हाँ या ना, इसमें किसी को डाउट है? अच्छा एक बेसिक चीज बताओ, मान लो डेंसिटी निकालोगे, मैं बोला गया डेंसिटी ऑफ CsCl क्रिस्टल निकालो, डेंसिटी ऑफ CsCl क्रिस्टल, तो जब तुम डेंसिटी CsCl क्रिस्टल का निकालोगे तो डेंसिटी होता है Zm बाई ए क्यूब Na, तो तुम यहां पे Z क्या लोगे और M क्या लोगे इन ग्राम, जरा ये बताना। सीजियम का मास नंबर मान लो X है और Cl का 35.5 है, जरा ये बता देना। एवरीबडी प्लीज बताइए, डेंसिटी ऑफ CsCl क्रिस्टल निकालोगे तो Z क्या लोगे, Z दो लोगे, नहीं नहीं अद्वैत दो नहीं, एक होगा, हाँ जेड वन लेंगे। ठीक है, और M क्या लेंगे, बताइए। देखो यहां पे एक्चुअली तुम सोचो तो जेड वन होगा, ठीक है, और सीजियम की बात करें तो सीजियम का मास नंबर होता है 33, तो इसका मोलर मास आएगा 133 होता है, 133 प्लस 35.5, सो दिस विल बिकम 168.5 ग्राम। समझ में आया या नहीं आया एवरीबडी? अरे तुम जरा सोचो कि तुमने मास नंबर जो निकाला है उसमें तुमने एक CS प्लस और एक CL माइनस ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है ना, उसमें तुमने एक CS प्लस और एक CL माइनस इंक्लूड कर दिया है, तो तुम 168.5 ले रहे हो, तो Z इज इक्वल टू 1 का मतलब कि CsCl को हमने एक क्रिस्टल बताया है, यानी एक CS प्लस और एक CL माइनस इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1। एवरीवन क्लियर? यदि तुमने Z इज इक्वल टू 2 लिया ना तो तुम्हें मास लेना पड़ेगा 168.5 डिवाइडेड बाय 2, इज दैट क्लियर, जो कि होता नहीं है। तुम मोलर मास तो CsCl का निकाल रहे हो, तो तुमने एक CS प्लस और एक CL माइनस ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, यहां पे यदि तुम Z2 कंसीडर करते हो तो तुम्हें मास नंबर इतना कंसीडर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? जब तुम एक CsCl कंसीडर कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी कंसीडरिंग 1 CS प्लस एंड 1 CL माइनस। यदि इसी तरह से यदि हम बात करें फॉर NaCl, तो NaCl के लिए Z लेंगे 4 और M क्या लेंगे बताओ, 35.5 प्लस 23 ग्राम, यानी 58.5 ग्राम। इज इट क्लियर? जब NaCl के लिए निकालेंगे DZm by A cube Na, तो Z 4 लेंगे और M लेंगे 58.5। Everyone, are you clear on this? Everybody, please respond. Z 4 क्यों लिया? क्योंकि NaCl में क्या होता है, 4 Cl minus और 4 Na plus होता है ना,
यदि तुम जेड एट लोगे तो तुम्हें एम क्या लेना पड़ेगा, जो कि होता नहीं है नॉर्मली, ऐसा कुछ करते नहीं है। जेड एट लोगे तो तुम्हें एम करना पड़ेगा 58.5 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम। तो ये तो कॉन्वेंशन फॉलो नहीं है। जिनको डाउट नहीं है दे कैन लीव, होमवर्क ग्रुप में डाल देंगे। जेड इज इक्वल टू 2 नहीं है, जेड इज इक्वल टू 2 लोगे तो तुम्हें मोलर मास 68.5 डिवाइडेड बाय 2 लेना पड़ेगा। होमवर्क डाल दूंगा ग्रुप में। एवरीबॉडी क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है? सेपरेट जेड एक्चुअली लेते तो नहीं है, वही बोल रहा हूं ना मैं, बट यदि ऐसा लोगे तो ऐसा करना पड़ेगा। अरे उमंग देखो, मान लो तुम्हारे पास सीजियम क्लोराइड है तो तुम्हारे पास लैटिस साइड तो एक ही हुआ ना। मैं फिर से समझा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखो जिनको समझ में नहीं है। मान लो तुम्हारे पास सीजियम क्लोराइड है, नहीं 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 वन ही होगा वो, तुम्हारे पास सीजियम क्लोराइड है तो जेड हम वन लेंगे क्योंकि एक सीएल माइनस है, सीएस प्लस लैटिस साइड नहीं है, ठीक है। और यदि तुमने जेड टू लिया है तो तुम्हें मोलर मास 168/5 डिवाइडेड बाय 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे तुमने यहां पे सीएस, एक इसमें क्या है, एक सीएस प्लस है और एक सीएल माइनस है जहां ये लिखा है मैंने, तो टोटल तुम सोचोगे दो एटम है, बट सीएस प्लस तो लैटिस साइट में है ही नहीं ना, सीएस प्लस तो वॉइड में है। तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, एक सीएस सीएल को, यानी एक सीएस प्लस और एक सीएल माइनस को हमने मोलर मास में इंक्लूड कर दिया है ना। तो जब हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो हम 168.5 ले रहे हैं। इसमें आप किसी को डाउट है क्या? एवरीबॉडी इज इट क्लियर नाउ? उमंग तुम्हें क्लियर हुआ? बाकी श्रेयस समझ में आया तुम्हें? वेदांत समझ में आया? अरे यार जवाब दिया करो। वेदांत, उमंग, आर यू क्लियर? चेतन सेज नो। एनएसीएल में ऑक्टाइडल वर्ड में, हाँ तो ऑक्टाइडल वर्ड में तो हमने जेड चार ही लिया ना। अरे एफसीसी होता है एनएसीएल, इट इज एफसीसी, तो एनए प्लस चार है और सीएल माइनस चार है, एफसीसी में तो जेड चार होता है ना। और चेतन तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो एनएसीएल जो है वो एफसीसी है और सीएससीएल जो है वो सिंपल क्यूबिक है। इसमें और किसी को डाउट है? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सबने लिख लिया इसको? एवरीबॉडी रिटन से यस और नो? ठीक है, फिर विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है एवरीवन, गुड बाय।